नमस्कार दोस्तों, आप ए दो आवजा के 250 वाट एम्पलीफायर देख रहे हैं। आप एक एम्पलीफायर देख रहे हैं जो SSA 250 एम और SSA 250। दोस्तों ये एम्पलीफायर एक कॉपी है और एक आवजा है, ठीक है। इन दोनों एम्पलीफायर का मैं आज आपको आउटपुट दोस्तों चेक करके दिखाऊंगा। अगर दोस्तों आपने प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो उसको सब्सक्राइब कर लें गुरु दक्षिणा के रूप में। तो मैं इन दोनों कॉपी और ब्रांडेड एम्पलीफायर की पहचान बताऊंगा, और जो ब्रांडेड के चक्कर में डुप्लीकेट एम्पलीफायर ले लेते हैं गलती से, वो भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं और उनके लिए हेल्पफुल वीडियो है, उन्हीं के लिए दोस्तों बना रहा। तो अब ब्रांडेड की पहचान और डुप्लीकेट की पहचान इस वीडियो में आप आराम से कर सकते हैं जी। और आप एक एम्पलीफायर देख रहे हैं, एक एम्पलीफायर देख रहे हैं, ठीक है। और मैं इस पैनल लोड टेस्टर की सहायता से इसका आउटपुट टेस्टिंग करवाऊंगा, इसका आउटपुट टेस्टिंग करवाऊंगा 8 ओम पे, और इसका भी 8 ओम पे टेस्टिंग करवाऊंगा। एम्पलीफायर मार्केट में मिलता है, मान लिया 6000 या 7000 के आसपास मिलता है प्राइस इसका, और ये वाला मार्केट में दोस्तों मिलता है करीब 16000 या 17000 के आसपास। तो आप देख रहे हैं कि इस टाइप में एक पैनल में भी आवजा का मॉडल आता है, इसमें आवजा का लोगो भी लगा हुआ है, ठीक है। इसमें भी लोगो है लेकिन बट ये डुप्लीकेट है और ये ब्रांडेड है, इसकी एक ही पहचान होती है। तो मैं बताता हूँ जी ऐसा क्यों है और ये सस्ता क्यों है और ये महंगा क्यों है, तो आज जानिएगा इस वीडियो में। तो मैं इसका पूरा सिस्टम आपको दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं दोनों एम्पलीफायर हैं अपने पास, एक है अपने पास एक कॉपी एम्पलीफायर। और कॉपी एम्पलीफायर में एक खासियत होती है दोस्तों, जो ड्राइवर बोर्ड और ड्राइव सेक्शन और मोनो बोर्ड होता है, ये असेंबल है एम्पलीफायर होता है, ठीक है। इसका डायल बोर्ड देख रही है, ये पावर सप्लाई है, और इस प्रकार का ये आप देख रहे हैं कि 5200 SC NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और यहाँ पर भी 2 SC NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। एक प्रकार का ये पूरा एम्पलीफायर असेंबल है, और ये अपना स्पीकर ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप डाउन एंड मेन ट्रांसफार्मर है, ये अपना डायबोर्ड वगैरह लगा हुआ है, और ये अपना फिल्टर है, ठीक है। और इसके यहाँ पर BT पैनल एंड माइक पैनल होता है, तो आपको ये तो नहीं बता पाऊँगा जी। और आप ये देख रहे हैं अपने पास ये आउजा। तो दोस्तों इसमें भी सिस्टम आप देख रहे होंगे कि ये ड्राइवर बोर्ड है, ये स्पीकर ट्रांसफार्मर है, और ये अपना पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर है, और ये अपना लगा हुआ ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ 2 SC और ये ट्रांजिस्टर लगा है 2 SC। लेकिन दोस्तों सिस्टम तो सेम लग रहा है देखने में, इसका भी कैपेसिटर है, इसका ड्रायल बोर्ड है, इसका भी वही है, तो इसमें सिस्टम दोस्तों सेम है। लेकिन जब लोड डालते हैं तब पता चलता है कि कौन एम्पलीफायर ताकतवर है, कौन एम्पलीफायर नो ताकतवर है। तो देख रहे दोनों मॉडल, एक 250 इसमें भी है और इसमें 250 है। तो दोस्तों मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ जी। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर लें, और मैं आपको स्टेप स्टेप दिखाता हूँ, देखिएगा। तो पहले हम यही कॉपी एम्पलीफायर का आउटपुट टेस्टिंग कराएंगे। तो एक काम करना है जी, हमको एक वायर हमको डायरेक्ट यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों पूरा सिस्टम सेम लग रहा है देखने में, पूरा ड्राइव पावर सप्लाई, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ। तो हमने ओम्स यहाँ लगा दिया है पैनल का। अब ओम्स लगाने के बाद एक बार हम लेंगे कॉमन का, ठीक है। तो कॉमन का लेते हैं, तो कॉमन का क्या करना है, हमने कॉमन कर लिया और कॉमन का वायर लगा दिया पैनल में। तो कॉमन का हमने यहाँ से जोड़ लिया, तो कॉमन का यहाँ से ले लिया हमने, ठीक है। और कॉमन का लेने के बाद देखते हैं कितना आउटपुट देता है, कितना नहीं देता है। तो कॉमन का हमने यहीं पे लगाएंगे, ठीक है। कॉमन क्या भी लगा सकते हैं, जिन भाइयों को ट्रेनिंग लेनी हो तो स्क्रीन पे दिए हुए कॉन्टैक्ट करके जो नंबर है उस नंबर से इंस्टीट्यूट के बारे में फुल जानकारी ले सकता है। एम्पलीफायर का बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक क्लास मिलेगी और आपको कम फीस में बेहतरीन नॉलेज मिलेगा। तो हमने इसमें एक प्रकार का वायर जोड़ दिया है, ठीक है। अब इसको हम चला के देखते हैं, क्या करिए हमने 8 ओम कॉमन 8 ओम पर डाला है हमने इसका, ठीक है। 8 ओम का लोड डालेंगे, लोड रजिस्टर देख रहे थे, दिखाइएगा कि रजिस्टर लगे हुए हैं। हम इन रजिस्टर को चलाएंगे और देखते हैं। और हमने रूट ट्री भी सेट कर ली, यहाँ पर दिखाइए, हमने रूट ट्री
ए टॉम पे सेट कर लिया है, आप देख रहे हैं ए टॉम पे सेट कर लिया है, और हमारा इस पैनल पे लिख के आएगा या वाट मीटर शो करेगा कितना आउट नकार रहा कितना नहीं नकार रहा, देखते हैं। तो कुछ नहीं करना है, हम पहले एक काम करते हैं कि ये फंक्शन जनरेटर है, हम 1 kHz की फ्रिक्वेंसी सेट कर लेंगे। तो 1 kHz की फ्रिक्वेंसी हम सेट करते हैं, तो 1 kHz की फ्रिक्वेंसी सेट करी है, अब देखते हैं। तो 1 kHz की फ्रिक्वेंसी हमने कर ली है सेट, और आप देख रहे हैं 1 kHz की फंक्शन जनरेटर से। अब कुछ नहीं करना जी, हमको एक आप जो लीड देख रहे हैं एक कॉमन और एक प्लस, इतना कर देना है। इतना करने के बाद देखना जी जो इसका ऑक्स वाला पिन होगा उसमें हम इसको डाल देंगे। तो देखना है कि हमने ऑक्स में लाइन में जिस किसी में डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने ऑक्स में डाला 1, और देखते हैं जी कितना आउटपुट निकाल रहा है। और इसका प्लग लगाएंगे पैनल में, तो देख रहे हैं आप, हमने ऑन किया जैसे इसको, तो 50 वाट के तो नहीं 25 वाट के आसपास पावर सप्लाई ले रहा है ट्रांसफार्मर इसका। अब देखना है कि जैसे ही हम इसका टोन बढ़ाएंगे, तो अभी तो कुछ नहीं आ रहा जी, तो अभी क्लियर नहीं आ रहा कुछ। अभी इसको सेट करेंगे पहले ऑक्स पे, तो ऑक्स पे सेट कर दिया, देख रहे हैं आप दोस्तों। मास्टर से बैलेंस करता हूँ, इतना आउटपुट दे रहा है, ये इतना आउटपुट, ये देख रहे हैं आप दोस्तों, ये करीब इतना जा रहा, इतना आउटपुट दे रहा है दोस्तों। ये कॉपी एम्पलीफायर की खासियत होती है दोस्तों, जब लोड डालते हैं तब पता चलता है। यहाँ से स्पीकर चलने में दोस्तों सुनाई तो देता है, लेकिन स्पीकर चलने से कुछ पता नहीं चलता, ठीक है, क्योंकि स्पीकर भी आजकल कॉपी आ रहे हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों कि हमने इसका पूरा गैंग खोल दिया है, और गैंग खोलने के बाद देखते हैं कि जो मास्टर टोन है ना, इसको यहाँ तक चलाते हैं, यहाँ तक चलाने पर देख रहे पूरा गैंग खोलने के बाद इतना आउटपुट दे रहा, ठीक है। और इतना करने के बाद हमने अब लाइन में भी डाल के देखते हैं, जो लाइन इसमें होता है, लाइन में भी दोस्तों वही दिख रहा, और लाइन में भी चेंज कर दिया है। और 8 ओम पर डालने के बाद अब दोस्तों हमने ये चेक कर लिया, कॉपी तक धुआं भी देने लगा दोस्तों, धुआं भी देने लगा, आपने देखा है धुआं भी निकलने लगा। तो दोस्तों एक कॉपी एम्पलीफायर की खासियत है, ये लोड डालने पर एम्पलीफायर का दूध पानी का पानी अलग हो जाता है। अगर कंपनी आपके साथ धोखा देती है, कॉपी कंपनी बनाती है, या आपने किसी भी कंपनी से परचेस करके नकली एम्पलीफायर आउजा का खरीद लिया है, जैसे आउजा देखने में लगता है, तो आप ऐसे आप ब्रांडेड एम्पलीफायर का परचेस कर सकते हैं। और देख रहे हैं कि इसका ट्रांसफार्मर तो नहीं, ट्रांजिस्टर हाई रूप से हीट हो चुके हैं, और इसमें हल्का हल्का धुआं भी आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो क्या रुकिएगा, हल्का हल्का धुआं आ रहा है, देख रहे हल्का हल्का धुआं भी आने लगा है, ताकि लोड में यही सिस्टम दोस्तों होता है। अब मैं दिखाता हूँ जी दूसरे एम्पलीफायर का लोड चेक करके, जो अपना ब्रांडेड आउजा है, क्योंकि जो आउजा कहता है वो देता भी है, जो कॉपी एम्पलीफायर दोस्तों होते हैं कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ठीक है। तो यही खासियत होती है कॉपी एम्पलीफायर की। तो आपने देखा ये था अपना कॉपी, तो कॉपी एम्पलीफायर को हम रखेंगे अब एक साइड। अब अपना आउजा ब्रांडेड, तो ब्रांडेड दोस्तों जब 16,000 रुपये 17,000 रुपये लेगा वो कुछ कुछ देगा, आप 17,000 रुपये ले रहा वो ले रहा 6,000 रुपये, तो ये तो खासियत है। लेकिन कई बार 16-17,000 रुपये दोस्तों कई टेक्नीशियन या कई ऑपरेटर गलत जगह पे चले जाते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि ब्रांडेड कौन सा कॉपी कौन सा, वो पहले कॉपी एम्पलीफायर देते हैं शॉप में। तो देखना है हम वैसे इसमें करेंगे, कॉमन का कॉमन में ले लेंगे, ठीक है, और ओम्स का ओम्स में ले लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ब्रांडेड एम्पलीफायर लेना है तो आप उसका सर्किट देख के ना लें, किसी भी टेक्नीशियन भाई के पास जाएं, लेने के बाद उसको चेक करा लें, या आप ब्रांडेड लेते हैं तो उसमें एक आपका पीछे की ओर इस टाइप में ये निकलता है, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा मेड इन, क्या लिखा, मेड इन इंडिया, या इसका आउजा का पूरा लोगो होगा। और जो कॉपी एम्पलीफायर दोस्तों है, कॉपी में दिखा देता हूँ एक बार, इसमें कोई लोगो नहीं लगा है, तो ये बड़ा लोकल फर्जी एम्पलीफायर कॉपी या एम्पलीफायर की पहचान है दोस्तों, और फिर भी नहीं है। तो आपने इसका लोड चेक करने के बाद भी आपको ये रीजन मिल जाएगा। तो हम अब लोड चेक करते हैं दोस्तों, और हमने कनेक्शन जोड़ लिए हैं सारे। तो अब कनेक्शन जोड़ने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको, तो पहले हम इसमें लाइन डालेंगे, ठीक है, लाइन डालने के बाद जी आपको पता चल जाएगा।
तो इसमें लाइन आ गया है। अब देखता हूँ कि हम इसका आउटपुट टेस्टिंग करते हैं जो आउजा बड़ी कंपनी में है। अभी एम्पलीफायर दोस्तों है, कहाँ 16,000, कहाँ आपका 6,007, ये 16-17 का भी आने लगा आजकल, ठीक है। तो हमने डाला पहले ऑक्स में, देख रहे दोस्तों, देख रहे आप, ये है आउजा की क्वालिटी। जो कहता है 250 वाट वो निकाल के देता भी है, जो कहता है वो निकाल के देता भी है। तो दोस्तों परफेक्ट, बिल्कुल नेचुरल आउजा जो कहता है 250 वाट परफेक्ट निकाल के देता भी। देख रहे 250 वाट पे कांटा रुका हुआ है और हमारा जो है सप्लाई जो है अपना कितना है 236 वोल्टेज, ठीक है। तो आपने देखा कि धुआं हुआ कुछ नहीं दे रहा, लोड भी डाल दिया परफेक्ट। और दोस्तों स्पीकर तो क्या होता है, वो सुनाई देता है, ठीक है। अब ये आउजा है दोस्तों, जो कहता भी है वो दिखाता भी है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि अपना 250 वाट का परफेक्ट है और 250 वाट आउटपुट निकाल के दे रहा है। मैं इसका टेस्टिंग कराऊंगा आपको, ठीक है। अब एक बार मैं मीटर को सेट करता हूँ सही से। तो दोस्तों देख रहे 250 वाट परफेक्ट है, मीटर थोड़ी आगे की ओर जा रहा है 250 से, थोड़ा सा हल्का सा। तो दोस्तों आपने देखा है कि यह है अपने आउजा एम्पलीफायर की क्वालिटी। और दोस्तों अगर आपको आउजा लेना है तो इस टाइप में चेकिंग करा कर भी ले सकते हैं किसी भी कंपनी से, या कंपनी में नहीं, किसी भी आप डीलर से या किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर से किसी दुकान से परचेस करते हैं तो आपको इसका पीछे एक प्रकार का जो मैंने लोगो बताया था, लोगो देख कर ही लेना है, ठीक है। और नहीं तो इसके साथ ही बुक आती है, ठीक है। और नहीं तो आप सर्विस केयर से, आप एक प्रकार का सर्विस सेंटर से बात करके ही ले सकते हैं, ठीक है। तो है दोस्तों आउजा की क्वालिटी, यह है कॉपी की क्वालिटी। तो दोस्तों 7,000-6,000 में ही मिलेगा आपको, क्योंकि 6-7,000 में क्या लेना चाहते हैं, आपको दुगना क्वालिटी चाहिए तो आउजा का लेना ही पड़ेगा। तो ट्रांसफार्मर उसमें वही लग रहा है देखने में, लेकिन जी ये आउजा का जो ट्रांसफार्मर होते हैं इनकी क्वालिटी अलग होती है। दोनों ट्रांसफार्मर कॉपर के होते हैं, ड्राइवर बोर्ड की भी क्वालिटी होती है, ठीक है जी। तो दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको प्लीज हमसे ट्रेनिंग चाहिए और ट्रेनिंग से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हम इसके बारे में फुल जानकारी इंस्टीट्यूट पर ही देते हैं और आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक क्लास मिलेगी। और आप देख रहे हैं हमारा पूरा सेटअप है और हम यहाँ से लेके यहाँ तक एम्पलीफायर रिपेयरिंग के लिए भी आते हैं, जो रिपेयरिंग के लिए कस्टमरों को एम्पलीफायर रख के रहते हैं और DSO CRO ट्रेनिंग मिलती है। और यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं दोस्तों, अभी डायग्राम देख रहे हैं, ओनली स्टूडेंटों के लिए हम बनाते हैं दोस्तों ये वीडियो। और ये जो डायग्राम है, हम ये डायग्राम यूट्यूब पर वायरल नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी सिस्टम होता है इंस्टीट्यूट का, अगर इंस्टीट्यूट पर का सिस्टम अगर हम शेयर करने लगेंगे तो और भी इंस्टीट्यूट वाले कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम पूरा जो अपना डाटा सेट होता है, बायो डाटा जो ट्रेनिंग का, पूरा इंस्टीट्यूट का पूरा यूट्यूब में शेयर नहीं करते हैं। और अब दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड, सभी दोस्तों के लिए बाय बाय।